नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कभी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर चेतक एक बार फिर भारतीय बाजार में नए तेवर और कलेवर के साथ 14 साल बाद वापसी कर रही है। एक वक्त था जब स्कूटर के 1,30,00,000 कस्टमर थे। लोगों के अंदर बाइक का क्रेज बढ़ता गया और धीरे धीरे चेतक की बिक्री कम होने लगी, जिसके बाद साल 2006 में कंपनी ने इसे बंद कर दिया। अब 14 साल बाद फिर ये स्कूटर बाजार में वापसी कर रही है। बजाज ऑटो का अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड अर्बनाइट के तहत ये पहला प्रोडक्ट होगा। पहले के चेतक और आज के चेतक में बहुत फर्क है। आज की चेतक पुराने चेतक से बिल्कुल अलग है। आइए जानते हैं नए और इलेक्ट्रॉनिक चेतक की कुछ खूबियाँ। इलेक्ट्रिक चेतक। पुरानी चेतक के मुकाबले नई चेतक एकदम अलग है। ये चेतक का इलेक्ट्रिक अवतार है, जिसमें इको और स्पोर्ट जैसे दो तरह के राइडिंग मोड दिए गए हैं। बजाज ऑटो का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर इको मोड में 95 किलोमीटर और स्पोर्ट मोड में 85 किलोमीटर तक चलेगी। नए चेतक का लुक। नए इलेक्ट्रॉनिक चेतक को पुरानी चेतक से एकदम हटकर बनाया गया है। नई चेतक को एकदम स्टाइलिश और डिजिटल बनाया गया है। इसमें स्विच गियर, फुल LED लाइटिंग और डिजिटल कंसोल दिया गया है। बजाज ऑटो ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के मिरर्स, साइड स्टैंड और फुटपेग्स जैसी जगहों पर हाई क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, नए चेतक से आप अपने स्मार्टफोन को भी कनेक्ट कर सकेंगे, जहां आपको रियल टाइम जानकारी अपने स्मार्टफोन पर मिलेगी। बिना चाबी के होगी स्टार्ट। नई चेतक में सबसे बढ़िया फीचर है कीलेस स्टार्ट। मतलब इस स्कूटर को चालू करने के लिए इसमें चाबी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर स्कूटर की चाबी एक निश्चित रेंज में है तो आप स्कूटर के एक बटन को दबाकर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। रिवर्स फीचर। इस स्कूटर में फोर व्हीलर की तरह रिवर्स गियर दिया गया है। मतलब आप एक बटन दबाकर इस स्कूटर को रिवर्स कर सकते हैं। बैटरी। चेतक में 4 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर और IP67 रेटेड लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। इसकी बैटरी नॉन रिमूवेबल है, यानी इसे स्कूटर से निकाला नहीं जा सकता। चार्जिंग। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को नॉर्मल फुल चार्ज करने में 8 से 10 घंटे तक का समय लग सकता है। कीमत। फिलहाल इस स्कूटर की कीमत को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। चेतक की इवेंट के दौरान कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने बताया कि इसकी कीमत अट्रैक्टिव होगी, अग्रेसिव नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कीमत 1,50,000 से ज्यादा नहीं होगी, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 1,20,000 के आसपास होगी। बता दें कि बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर जनवरी 2020 में लॉन्च होगी और उसी वक्त इसकी कीमत का भी ऐलान किया जाएगा। ये स्कूटर पूरे देश में एक साथ नहीं बल्कि कई चरणों में लॉन्च होगी। सबसे पहले जनवरी 2020 में इसे पुणे में लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में इसे लॉन्च किया जाएगा।